कृषकों के कल्याण के लिए कृषि मंत्री ने की नर्मदा परिक्रमा। अब उन्नत हो रहे हैं प्रदेश के किसान, फसलों का मिल रहा है बढ़कर दाम। एक ओर जहां कथित किसान नेताओं के द्वारा दिल्ली में आंदोलन किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों एवं आतंकवादी संगठनों की कथित मदद से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए शिवराज सिंह की सरकार लगातार ऐसे निर्णय लेते रही है जिससे प्रदेश के किसान की न केवल आर्थिक उन्नति हुई है वरन कृषि यहां लाभ का धंधा भी बनते जा रही है। कृषकों को शून्य ब्याज दर पर ऋण देने की योजना मध्य प्रदेश सरकार ने ही प्रारंभ की। बिजली बिलों में छूट सरकार दे रही है। खाद के लिए किसानों को दर दर नहीं भटकना पड़ता और तो और बीज एवं अन्य कृषि उपकरणों पर भी सरकार सहायता उपलब्ध कराती है। अधिकतर कृषि उपकरण अपनी लागत से आधे मूल्य पर कृषकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि इस वर्ष प्रदेश के किसानों ने जमकर मेहनत की और इतनी फसल उपजाई कि प्रदेश देश में अव्वल रहा। शासकीय दरों पर प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ फसल बेची, जिसका भुगतान भी समय सीमा के अंदर किसानों के खातों तक पहुंचा दिया गया। यह कहना है प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल का। कृषि मंत्री यह भी बताते हैं कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार वर्ष में 6000 रुपये किसानों को सीधे उनके खातों तक पहुंचाकर दे रही है और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार 4000 रुपये की राशि अलग से किसानों को देती है। इस तरह प्रदेश के किसानों को प्रत्येक वर्ष 10000 रुपये नकद सहायता राशि दी जा रही है, जो खाद बीज एवं अन्य जरूरतों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। अब राज्य सरकार ने शासकीय खरीदी योजना के अंतर्गत सरसों चना मटर की भी खरीदी करने की बात कही। इसके लिए बढ़े हुए दाम भी निर्धारित कर दिए गए हैं। वर्ष 2021-22 में रबी फसलों की खरीदी के शासकीय मूल्य भी बढ़ा दिए गए हैं। गेहूं का मूल्य 1925 से बढ़ाकर 1975 रुपये कर दिया गया है, यानी इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह चना 4875 से बढ़ाकर 5100 रुपये एवं सरसों 4425 से बढ़ाकर 4650 रुपये तय की गई है। दोनों फसलों में 225 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। मसूर की फसल 4800 रुपये में पहले खरीदी जाती थी, अब वह 5100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी जाएगी, यानी इसमें भी 300 रुपये प्रति क्विंटल की मूल्य वृद्धि की गई है। इस तरह किसानों को सीधे सीधे अपनी फसलों पर इन बढ़े हुए दामों का सीधा लाभ प्राप्त होगा। यह खरीदी गेहूं खरीदी के साथ ही की जाएगी। इसके लिए खरीदी केंद्रों में व्यापक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। पहले किसान आवश्यकता के कारण औने पौने दामों में अपनी दलहन की फसल बेचने मजबूर होता था, अब ऐसा नहीं होगा और किसानों को इन फसलों के बढ़कर दाम मिलेंगे, जिनका भुगतान भी शीघ्र ही किसानों को कर दिया जाएगा। सरकार जहां एक ओर किसानों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री इन प्रयासों से आगे जाकर प्रदेश की जीवनदायिनी माँ रेवा से किसानों की आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ हो, इसके लिए उन्होंने सपरिवार नर्मदा जी की परिक्रमा भी की। पिछले दिनों ओंकारेश्वर में उन्होंने परिक्रमा संपन्न होने पर माँ रेवा का पूजन कर पूरे प्रदेश के कृषकों के लिए आशीर्वाद मांगा। कृषि मंत्री की इस मनोकामना को माँ नर्मदा अवश्य पूर्ण करेंगी और प्रदेश का किसान लगातार उन्नति करेगा एवं अपने साथ साथ अन्य परिवारों की भी
आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। हर हर नर्मदे। नर्मदे हर और जिंदगी भर। माँ नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर रहे, क्योंकि नर्मदा हमारी जीवनदायिनी है, प्रातः स्मरणीय है, पुण्यदायिनी है, पाप हरनी है, संकट हरनी है, सुख समृद्धि करनी है, वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसको सुरक्षित संवर्धन संरक्षण करना हमारा दायित्व है, और ये हमें अनंत काल से जीवन देती आई है और अनंत काल तक जीवन देती रहेगी, और इसलिए इसकी एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा होती है। नर्मदा की कृपा से हमारा प्रदेश भी खुशहाल है, हम भी खुशहाल हैं। और चूँकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी कृषि मंत्री की है, तो मैं माँ के आशीर्वाद से इतना काम कर सकूं, किसानों की समस्याओं को हल कर सकूं, क्योंकि आज़ादी के 73 साल तक खेती घाटे का धंधा रही है, कर्ज में रहता है किसान, आत्महत्या करता है, मेहनत करता है किसान और माल कमाते बिचौलिए और दूसरे लोग। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि किसान की आय 2022 तक हम दोगुना करेंगे। अब गाँव के अंदर खेती के साथ साथ टमाटर, आलू, प्याज, वेजिटेबल्स की भी होगी, उससे मजदूरों को 12 महीने काम मिलेगा। वहाँ वेयर हाउस होंगे किसानों के, उनको 33% महिला पर 25% पुरुष पर अभी तक नहीं मिलता था, शहर के लोग आके लगाते थे, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक लोन देती है गारंटी में रख के, तो गाँव वालों को मिलते नहीं था आज़ादी के 73 साल, पहली बार मिला। तो अब किसानों के वेयर हाउस होंगे, महिलाओं के भी 33% की सब्सिडी पहली बार मिलेगी, 25% की सब्सिडी पहली बार मिलेगी, कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी है अब पहली बार मिलेगी, और फूड प्रोसेसिंग प्लांट डलेंगे, कृषि उपकरण बनेंगे, गांव वाले किसान के बेटों के, तो किसान का बेटा खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी करेगा, तब जाकर बेरोजगारी दूर होगी, दो हाथ को काम भी मिलेगा, और गांव और शहर मिलकर एक होगा देश, शहर का गांव का भेद खत्म होगा, गांव से पलायन रुकेगा, और इस प्रकार आत्मनिर्भर गाँव होगा तो आत्मनिर्भर भारत होगा। किसान के खेत से, खलिहान से, घर से भी अनाज बिक सकता है, अगर मंडी से और समर्थन मूल्य से ज़्यादा रेट मिले तो उसमें क्या तकलीफ, किसान को ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचेगा, किसान को मन पर्ची जब घर कोई लेने आएगा तो मन मर्जी का रेट मिलेगा। अभी तक व्यापारी मंडी में मंडला में 100 और माल आ जाता है, उनकी क्षमता 2000 क्विंटल खरीदेंगे, माल आ गया 10000 क्विंटल तो क्यों बोली लगाएंगे। और इसलिए औने पौने माह में बिकता, जब देखते हैं अपन आज तक आज़ाद भारत से कि जब भी फसल आती खरीफ की रबी की, एक साथ किसान की फसल आती है, एक साथ मंडी ले जाता है, और इसलिए रेट डाउन हो जाता है। और जैसे ही किसान के 2-3 महीने के बाद जैसे ही बारिश शुरू होती है, किसान का माल पूरा बिक चुका होता है, उसके बाद रेट डबल होते हैं, किसान हाथ मलता रहता है, काश में 3 महीने रोक लेता है, लेकिन उसके बाद रोकने के लिए जमता नहीं है, उसकी एक तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, दूसरा उसके पास वेयर हाउस नहीं, उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं, उसके पास कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं। लेकिन अब ये मोदी जी ने शुरू किया है, 1,00,000 करोड़ रुपया सिर्फ किसानों के लिए है, जो FPO बनेंगे, किसान उत्पादक समूह या इंडिविजुअल किसान भी, अब प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से सर्वे शुरू हो गया है, हरदा और डिंडोरी जिला देश प्रदेश में 1 पर पायलट प्रोजेक्ट में हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश का शुरू करें, मंडला भी ले लिया है, 2024 तक 100% लोगों को हो जाएगा, तो गांव भी शहर जैसे हो जाएंगे, तो यहां उद्योग लगेंगे, व्यापार व्यवसाय सब होगा, तो जो व्यापारी बिचौलिया कमाते थे वो किसान कमाएगा।